हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ एचपी, इकोनॉमा 226। तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी डिस्कस करेंगे और कैसे आप इसको तैयार कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि कुछ एक जो स्टूडेंट्स थे उनके कमेंट्स आ रहे थे कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए। आई डोंट नो ये पेपर आपका कब है, जनवरी का पेपर है ये। तो कुछ एक जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने इसको ऑफ्ट किया होगा। तो कुल मिलाकर इसमें आपके 4 यूनिट बनते हैं जैसे बाकी कोर्स में आपके रहते हैं। तो एचपी जीके की अगर आपके पास बुक है, जैसे ब्लोखरा की बुक आप पढ़ रहे हैं या कोई आपकी आपके पास और बुक है, तो उसमें आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो कवरअप हो जाएंगे। और फर्स्ट ईयर की एक बुक है उसमें भी कुछ एक इकोनॉमी के टॉपिक्स जो है वो उसमें है अवेलेबल। और आई डोंट नो कि पर्टिकुलर इकोनॉमी के ऊपर बुक है या नहीं है, लेकिन ये टॉपिक्स जो है वो आपको एचपी जीके की कोई भी बुक आप उठा लेंगे तो उसमें मिल जाएंगे। तो यूनिट 1 है, हिंदी में मैंने इसको ट्रांसलेट किया है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है संसाधन बंदोबस्ती भूमि जल। तो पहला ही क्वेश्चन आपका यहाँ से आ जाएगा कि भारत हिमाचल की जो अर्थव्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी है ना, उसके जो रेवेन्यू के सोर्सेज है वो क्या क्या है ना, तो उसके फीचर्स यहाँ पे पूछेंगे आपसे। तो इसी में आपका आ जाएगा कि भूमि है, जल है, खनिज है, वन है हमारे पास, है ना, फिर मानव विकास सूचकांक क्या है और राज्य की आय क्या है, और राज्य जो है वो उसमें जो रिफॉर्म्स है वो कौन कौन से हो रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमी है उसमें रिफॉर्म्स कौन कौन से हो रहे हैं ना, स्टेट की इनकम क्या है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ क्या है बिफोर एंड आफ्टर द रिफॉर्म्स, सोर्स ऑफ स्टेट क्या है, फाइनेंस टारगेट एंड अचीवमेंट प्लान्स, बजट बजट का भी पूछ सकते हैं, हिमाचल का बजट कितना है ना, ग्रोथ एंड ट्रेंड्स ऑफ GSDP। तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके इसमें बन जाएंगे, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चंस में बात करूं तो पहला ही आपका क्वेश्चंस आएगा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है। तो इसमें सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस होंगे, तो आप ये किसी भी बुक में उठाएंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, है ना। फिर दूसरा यूनिट पे बात करें तो इसमें आप तैयार कर लीजिए कि हिमाचल प्रदेश की कृषि और बागवानी, है ना, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और बागवानी की क्या भूमिका है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बागवानी काफी जो अपर एरिया है हिमाचल का, वहां पे जो हॉर्टिकल्चर है वो काफी अच्छे उसमें है ना, और काफी सेब का काफी उत्पादन होता है, कुल्लू है आपका, शिमला है आपका, चंबा है ना, तो इसमें क्या रोल है बागवानी का हिमाचल की अर्थव्यवस्था में, राज्य के घरेलू उत्पाद जो है ना। और इसके बाद है बागवानी की क्या भूमिका है कृषि और बागवानी की। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है पर्यटन, जो हमारा टूरिज्म है, तो पर्यटन जो है वो हमारी जो अर्थव्यवस्था में किस तरह का रोल प्ले करता है। तो पूरा का पूरा आपका जो यूनिट बनता है ये कृषि बागवानी और टूरिज्म के ऊपर है। पहला एक क्वेश्चन आपका कृषि से आ जाएगा, बागवानी से, दोनों को मिला के आ जाएगा या अलग अलग आ जाएंगे, या फिर आपका टूरिज्म का पूछ लेंगे कि जो हमारा टूरिज्म है, पर्यटन है, उसका हिमाचल की इकोनॉमी में जो है क्या योगदान है ना, और ये यहाँ से आप कर सकते हैं। फिर फल और सब्जी उत्पादन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो ये कृषि में ही सारे के सारे कवर अप आपके पॉइंट्स जो है वो हो जाएंगे ये। फिर यूनिट 3 से आप कर लीजिए कि हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक और बिजली क्षेत्र क्या है। बिजली क्षेत्र में आपका जो बहुत सारे, क्योंकि बिजली के क्षेत्र में काफी बिजली का काफी उत्पादन करता है हिमाचल, जो मेन हमारी रिवर है सतलुज हो, चाहे रावी हो, चाहे आपके ब्यास हो, है ना, उसमें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, भाखड़ा है, नंगल है, चंबा में बहुत सारे प्रोजेक्ट है आपके, सतलुज नदी के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट है आपके, है ना, रामपुर साइड को, तो जो हमारा बिजली उत्पादन है वो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिमाचल। तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो बिजली का जो क्षेत्र है उत्पादन, उसका क्या रोल है, और जो औद्योगिक है ना, औद्योगिक विकास हिमाचल का जो वो किस तरह से हुआ है आफ्टर 1947। इसमें मेनली आपका जो औद्योगिक आपका इसमें देखिए आपका बद्दी वाला जो एरिया है, इसमें मेनली आपकी जो इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, लेबर वेलफेयर है ना, जब इंडस्ट्री लगी तो उसमें लेबर्स गए, तो लेबर वेलफेयर की क्या क्या मेजर्स अपनाए गए हैं, है ना, कौन कौन से उपाय किए गए हैं, और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस तरह से शुरू किए गए। जैसे आज की डेट में भी हिमाचल सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो है वो शुरू किए हैं, है ना, और ट्रेंड्स इन द हाइड्रो पावर जनरेशन इन हिमाचल प्रदेश, है ना, कि हाइड्रो पावर जनरेशन में जो है वो हिमाचल का क्या रोल रहा है।
और इसी के साथ फिर लास्ट टॉपिक आपका बनता है इन्वायरमेंट इश्यू टू द रिलेटेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। फिर आएगा कि जो हमारे जो पावर प्रोजेक्ट लगे हैं रिवर्स के ऊपर, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हैं, उसका जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हिमाचल के जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको लगने से हिमाचल का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसको किस तरह से प्रभावित किया है प्रोजेक्ट्स ने, है ना, किस तरह से जो वन है डिप्लीट हुआ है उसको काटा गया है ना। तो ये सारा का सारा आपके जो है दो तीन क्वेश्चन मेनली इसमें बनेंगे। फिर लास्ट आपका जो यूनिट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बुनियादी ढांचा है हमारा, है ना, उसमें हमारा पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन से, टूरिज्म ऑफ हिमाचल प्रदेश उसके क्षेत्र में कौन कौन सी जो है, जैसे बड़े बड़े होटल्स बने हैं आपके या दूसरी चीज़ें हैं, रोड्स बने हैं, है ना। टूरिज्म तभी डेवलप होगा हिमाचल का जब हम जो है वो अपने रोड्स जो है उसको डेवलप करेंगे, उनको चौड़ा करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होगा, होटल्स होंगे रहने के लिए, है ना, आपके ट्रैकिंग साइट्स होंगी अच्छी, वहाँ पे टूरिस्ट के लिए फैसिलिटी हम प्रोवाइड करवाएंगे, तभी आपका जो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म ऑफ हिमाचल प्रदेश उसमें क्या किया गया है, फिर इसी में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है कि रोड की क्या है ना, ट्रांसपोर्ट रोड रेल, है ना, रेल के ऊपर क्या हुआ है हमारे यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है हमारा, बैंकिंग सिस्टम कैसा है, हाउसिंग सिस्टम कैसा है, सोशल वेलफेयर की कौन कौन सी स्कीम्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके आ सकते कि एट प्रेजेंट जो स्कीम्स है सोशल वेलफेयर की सरकार के द्वारा कौन कौन सी चलाई जा रही है, इसके ऊपर करंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। एजुकेशन के ऊपर हमारा हिमाचल किस तरह से एजुकेशन में आगे बढ़ रहा है ना। हेल्थ प्रोग्राम्स कौन कौन से गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट रोल ऑफ टूरिज्म इन द इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पे भी आपका आ जाएगा क्वेश्चंस जो है ऊपर जो है एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म, सेकेंड यूनिट में हम कहीं पढ़ रहे थे, है ना। तो यहाँ पे भी आपका बनता है कि रोल ऑफ टूरिज्म इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की आर्थिक समृद्धि में जो है वो पर्यटन का क्या योगदान है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे बनते हैं, है ना। तो ये आपका है कि विकास का मॉडल क्या है हिमाचल का, और ये जो है हमारा पर्यटन में हमारा हिमाचल जो है वो कहाँ पर खड़ा है। तो ये कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 और 5 है, हिमाचल पहाड़ी विकास का मॉडल बने, हिमाचल प्रदेश में नियोजित विकास की बात की गई, उसकी सफलताएं उसकी हानियां, इस विशेष श्रेणी में जो है राज्य के लिए संसाधन जुटाना है, ग्रामीण का आधुनिकीकरण करना है, विकास की संभावनाएं और संभावनाएं हैं, और हिमाचल प्रदेश में मानव पूंजी निर्माण का आयाम क्या है। तो ये इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो ये है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं यूनिट 1 से। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के मूल घटकों पर चर्चा कीजिए, जनसंख्या वृद्धि का भी आपको आवश्यकता डेमोग्राफी का। तीसरा, हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और बागवानी के महत्व को समझाइए, साथ ही हिमाचल प्रदेश की कृषि और बागवानी के प्रति नीतियों को स्पष्ट कीजिए, सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं कृषि और बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रही है। राज्य में औद्योगिकरण को लेकर मुख्य समस्याएं क्या है, उन्हें हटाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, ना कौन कौन सी समस्याएं हैं। और इसी में आप कर सकते हैं कि जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसने हिमाचल की इकोनॉमी में जो है वो क्या योगदान दिया है, है ना, उससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो किस तरह से स्ट्रांग हुई है, जो पावर प्रोजेक्ट है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की क्या समस्याएं हैं, क्या संभावनाएं हैं, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उपाय भी बताएं। इसी के साथ आ सकता कि पर्यटन का हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जो है वो क्या योगदान है, हिमाचल प्रदेश में मानव पूंजी निर्माण में लैंगिक आयाम पर चर्चा कीजिए, ना। तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से आपके बनते हैं। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के आता है तो आपने उसको लिख देना है, पॉइंट्स आपने लिख देने हैं, जहाँ से भी आपको एक यूनिट अगर आपने पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है तो उस यूनिट में से कहीं से भी आपको क्वेश्चंस आ रहा है तो आपने सारे के सारे पॉइंट्स उसमें डाल देने हैं। कई बार एग्जामिनर जो है वो थोड़ा घुमा के जो है क्वेश्चंस को पूछता है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।